हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, 4 बजे हमारा लर्निंग एंड टीचिंग का क्लास होता है। बहुत आप लोगों से मैंने टॉपिक मांगा था कि अगर आप लोगों के पास टॉपिक्स हैं तो आप बताइए। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने दिए हैं, हम उस पर भी क्लास लेकर आएंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दैट मीन्स मस्तिष्क विप्लव। इस पर नोट्स लिखने को आता है, इस पर नोट्स जरूर ही आता है। मतलब अगर नोट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये VVI टाइप का है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है या फिर आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आता है। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं और फिर आपने जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक पे हम लोग क्लास लेकर आएंगे। साथ ही साथ अगर और भी कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो आपको लगता है कि अभी तक क्लास में नहीं हुआ है और आप लोगों के सिलेबस में है, तो आप हमें इस वीडियो में मैसेज कीजिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं वो कमेंट को देख करके उसके अकॉर्डिंग क्लास लेकर आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फ्रेंड। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का क्लास जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। सेकेंड ईयर अभी अवध यूनिवर्सिटी का क्लास चल रहा है, टाइमिंग 7 बजे है। चलिए पहले समझते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्चुअली में है क्या। देखिए, मस्तिष्क उद्वेलन या मस्तिष्क विप्लव, चिंतन या सृज, देखिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग याद रखिएगा, हिंदी में भी कभी कभी ब्रेन स्टॉर्मिंग ही लिख कर आ जाता है। तो ये मस्तिष्क विप्लव ये सब तो याद रखिएगा, लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग जरूर याद रखिएगा। चिंतन या सृजनात्मकता को विकसित करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बच्चों की क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं। चिंतन तो है, हाँ सोचते हैं वो, तभी तो क्रिएटिविटी आती है। तो लॉजिकल थॉट प्रोसेस उनका डेवलप होता है और क्रिएटिविटी वो क्या कर सकते। देखिए, हर बच्चा अलग है एक दूसरे से, तो हम इस बच्चे को भी वही सिचुएशन में डालेंगे, इस बच्चे को भी उसी सिचुएशन में डालेंगे, इस बच्चे को भी उसी सिचुएशन में डालेंगे। अब इन तीनों के ऊपर है कि उन सिचुएशन से ये डील कैसे करते हैं, उन समस्याओं को ये सॉल्व कैसे करते हैं। सबकी अपना अपना सबका टच होगा, सबका अपना अपना क्रिएटिविटी होगा। तो इस तरह से जिसका जैसा लेवल, जैसा जिसके अंदर जो है कैपेबिलिटी है, वो निकल कर आता है। मस्तिष्क उद्वेलन की मुख्य धारणा यह है कि एक व्यक्ति की तुलना में व्यक्तियों का समूह अधिक विचार प्रस्तुत कर सकता है। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे तीन का ग्रुप है, यहाँ पे एक बच्चा है, इसको हमने वही टॉपिक दिया और इन तीनों को जो है वही टॉपिक दिया। तो इन तीनों के अपने अपने विचार आए ना, तीनों के विचार आए, उसके बाद एक नया विचार जो है निकलेगा। और इस बच्चे का तो एक ही विचार है, उसी के साथ इसको जाना है। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है समूह में, जो समूह या ग्रुप में जो से जो थॉट निकल कर आता है वो अधिक विस्तृत होता है, व्यापक होता है, ये बताया जा रहा है। इस विधि के अंतर्गत ऐसे साधनों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थियों में चिंतन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हलचल पैदा कर देता है। बच्चे जो है थॉट प्रोसेस अपना बहुत यूज करने लगते हैं, अपने थिंकिंग को जो है वो डेवलप करते हैं। मीन्स पूरा आप बोल सकते हैं उनके माइंड में जो है हलचल मच जाता है, हलचल पैदा हो जाता है। तो ये इस विधि के द्वारा जब हम ये विधि यूज करते हैं तो उसे अभिप्रेरित कर देते हैं। यह विधि समस्या केंद्रित यानी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। अब मैं अभी आपको जो बता भी रही थी कि इन तीनों बच्चों को जो है समस्या दी जाएगी, उन समस्याओं को कैसे वो सॉल्व करते हैं उनके ऊपर है, वो अपनी कौन सी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं उनके ऊपर है। तो इसीलिए इसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी बोला जाता है, क्योंकि बच्चों को जो है हम प्रॉब्लम में डालते हैं और फिर वो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उससे डील करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के सामने एक जटिल समस्या प्रस्तुत की जाती है तथा इस समस्या के संबंध में विद्यार्थियों का एक समूह बैठकर विचार विमर्श करता है, चिंतन करता है, विश्लेषण करता है और अंत में संश्लेषण के माध्यम से उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करता है। इसके बाद विद्यार्थी खुद ही अध्यापक के मार्गदर्शन में उसका मूल्यांकन करते हैं। देखिए ये है क्या, इसको मैं थोड़ा सा साफ करूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है। स्टूडेंट का ग्रुप है, हमने 2-3 ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप है, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, इधर एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, इस तरह से सारे ग्रुप में बच्चे हैं। तो ये जो हमारा ग्रुप ए है, इनको एक समस्या दी गई, इनको समस्या में डाला गया
और ये ग्रुप बी है, इनको भी समस्या में डाला गया। ठीक है, आप ये सिर्फ एक ही ग्रुप के साथ भी कर सकते हो, लेकिन क्लास में इतने बच्चे तो होते हैं कि इनको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया जाता है और समस्या दी जाती है। तो इन बच्चों को समस्या में डाला गया, प्रॉब्लम में, इन बच्चों को जो है समस्या में डाला गया, प्रॉब्लम में। अब ये जो है जितने बच्चे हैं सब जो है डिस्कस करेंगे, समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करेंगे, चिंतन करेंगे, लॉजिकल थॉट प्रोसेस, अपना पॉइंट्स रखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फाइनली जा करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे सब मिलजुल कर। ठीक है, एक सॉल्यूशन निकला। इसमें भी इतने बच्चे हैं, इन्होंने भी वही किया, सोचा, समझा, एनालिसिस किया और उसके बाद इन्होंने भी सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, अब यहीं तक इनका काम खत्म नहीं हो जाता, इन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो नहीं। अब जो टीचर, तो टीचर ने ही इसको समस्या दी थी, इन दोनों को। अब टीचर का थोड़ा सा यहाँ पे रोल आएगा, वो टीचर जो है इनको गाइड करके बताएंगे कि किस तरह से इवेल्युएशन करें, किस तरह से उन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं, या सही है तो कितने हद तक सही है उसका मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएशन भी बच्चे खुद से करेंगे, गाइड जो है वो टीचर करेंगे लेकिन मूल्यांकन बच्चे खुद से करेंगे, खुद से जो है अपना इवेल्युएशन करेंगे अपने सॉल्यूशन का। तो इस तरह से जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, सब कुछ जो है बच्चों के थ्रू करवाया जाता है। यहाँ पर टीचर एक जो है फैसिलिटेटर का काम करता है, जितने बच्चों को जो है पुश करता है, गाइड करता है, जस्ट बैक में रहता है और सारी चीजें जो है बच्चों के से करवाता है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क में इस जटिल समस्या को हल करने से संबंधित विचार आते हैं। अध्यापक लगातार ब्लैक बोर्ड पर उन विचारों को लिखता रहता है और अंत में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जिसे हम उस समस्या का उपयुक्त हल या समाधान कह सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव विधि की सहायता से विद्यार्थियों में मुख्य रूप से चिंतन की क्षमता का को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। समझ में आया ब्रेनस्टॉर्मिंग? अब देखेंगे विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, इसकी क्या विशेषता है। पहले, यह विधि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। साइकोलॉजिकल वे में जो है इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे का चिंतन यानी थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक है, मतलब मनोविज्ञान से संबंधित है, साइकोलॉजी से। यह विद्यार्थी को चिंतन तथा समस्या समाधान के क्षेत्र में उत्साहित करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, खुद से अपने समस्या का समाधान करना, सोचना, एनालिसिस करना, इन सारी चीजों में जो है बच्चों को पुश करती है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि छात्र की सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाती है। सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस ही नहीं, चिंतन का ही जो क्षमता है वो नहीं बढ़ता है, साथ में उनके अंदर की क्रिएटिविटी भी बाहर आती है। यह विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचकर निष्कर्ष को प्राप्त करना सिखाती है, तथा जो लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत लाभदायी है। फ्रीली इनको छोड़ दिया जाता है कि आप खुद से जो है अपनी समस्या का समाधान करें, खुद से है सोचे, समझे और उसका निष्कर्ष निकालें। यह ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होती है। इस विधि के द्वारा सामूहिक चिंतन तथा विचार विमर्श द्वारा अच्छे विचार सामने आते हैं। मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव के द्वारा शिक्षार्थियों में सामूहिकता की भावना की उत्पत्ति होती है। तो ये हुई इनकी, अब इसकी सीमाएं देखें या दोष। ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव के सफल संचालन के लिए योग्य शिक्षक का होना आवश्यक है। सभी शिक्षक इसके संचालन के योग्य नहीं होते। देखिए, अब यहाँ पे टीचर का रोल क्या हो जाता है, टीचर का रोल हो जाता है फैसिलिटेटर का। तो टीचर ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बच्चे को एग्जैक्टली सही तरीके से गाइड कैसे करना है, कैसी समस्याएं देनी है उसको और किस तरह से उनको पुश करना है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ये बोले कि सभी टीचर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज कर सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं, इसके लिए योग्य कैपेबल टीचर की जरूरत होती है, जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, ट्रेंड हो। फिर है मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव कुशाग्र बुद्धि वाले शिक्षार्थियों द्वारा मंद बुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विचार प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान नहीं किए जाने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही, जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं ना, एवरेज भी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, मंद बुद्धि भी होते हैं। तो जो मान लीजिए ये दोनों जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो ये अपना थॉट बताएंगे, एवरेज वाले भी थोड़ा सा अपना आउटपुट दे देंगे, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं ऐसी संभावना रहती है
ये मंद बुद्धि वाले बच्चे जो है अपना थॉट नहीं दे पाएंगे, हेजिटेशन में नहीं दे पाए या फिर ये सोच ही नहीं पाएंगे, ये जो है इन लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये इसकी एक चांसेस रहती है। मस्तिष्क उद्वेलन या बिप्लव केवल उच्च स्तर की कक्षाओं में उपयोगी है, बिल्कुल सही। ये हम छोटे क्लासेस में चाहें कि 1-5 प्राइमरी क्लासेस में करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, और रीजनिंग एबिलिटी जो डेवलप होती है वो एडोलेसेंस से होती है, तो ये उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए है। मस्तिष्क उद्वेलन या बिप्लव विधि में शर्मीले शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। अब सभी बच्चों का नेचर जो है एक जैसा होता नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, शाय होते हैं, तो उन बच्चों के अंदर की जो भी क्वालिटी या फिर उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो चीज़ें हैं, वो बाहर नहीं आ पाती है इस विधि द्वारा। शिक्षक द्वारा पक्षपातपूर्ण प्रोत्साहन की संभावना रहती है, जिससे शिक्षार्थी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। होता क्या है कि जब ये मेथड को यूज़ किया जाता है तो जो बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनसे थोड़ा टीचर का एक्सपेक्टेशन रहता ही है, तो जो बाकी बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये गलत लगता है, और टीचर जो है उन लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं जो अच्छे हैं, या फिर लगता है कि वो सोच सकते हैं, वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इससे बाकी बच्चों का पेड़ जो है इसका गलत इम्पैक्ट आता है। अब इसका जो है प्रयोग, उचित प्रयोग करने के लिए सुझाव क्या है? देखिए, हम ब्रेन स्टॉर्मिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं उस पर हम पे डिपेंड। अगर हम ट्रेंड टीचर देंगे, हम ग्रुपिंग जो है सही तरीके से करेंगे, हमें पता है कि भाई ये मंद बुद्धि का बच्चा है तो इसको ग्रुप में हम नहीं डालें, तो हम ये सारी चीज़ों का अगर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो है सही तरीके से निकलेगा इसका आउटपुट। मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव का प्रयोग केवल योग्य शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो योग्य शिक्षक को हम रखेंगे। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों को विचार प्रस्तुत करने का समान अवसर प्राप्त हो। शर्मीले शिक्षार्थियों के अध्यापक के द्वारा उचित प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि वे सभी समस्या के समाधान हेतु अपने विचार प्रस्तुत कर सके। शिक्षक को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, शिक्षक को पार्शियल नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क उद्वेलन या विप्लव के प्रयोग से पूर्व शिक्षक का उद्देश्य सभी शिक्षार्थियों में चिंतन की आदत का विकास करना होना चाहिए। यहां से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का ब्रेन स्टॉर्मिंग। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं बता दूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज द नेम गिवन टू सिचुएशन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल मीट टू जनरेट न्यू आइडियाज अराउंड अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो यही है, ग्रुप ऑफ पीपल को जो हम इकट्ठा करते हैं नए आइडियाज को फाइंड आउट करने के लिए, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। यूजिंग रूल्स विच रिमूव इनहेबिटेंस, पीपल आर एबल टू थिंक मोर फ्रीली एंड मूव इनटू न्यू एरियाज ऑफ थॉट एंड सो क्रिएट न्यूमरस न्यू आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। ये जो है हमारा बच्चों को या फिर पीपल को जो है फ्रीली सोचने के लिए देता है, अपने आइडियाज़ को जो है निकालने के लिए देता है, अपने क्रिएटिविटी को जो है एनहेंस करने के लिए देता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेथड है जिसमें हम बच्चों की क्रिएटिविटी को निकाल सकते हैं। तो ये इंग्लिश में इसका हुआ। यहाँ पर मैं क्या बताना चाहती थी, हाँ देखिए, एक्चुअली में है क्या ना कि हिंदी एंड इंग्लिश का थोड़ा सा लैंग्वेज वाला अलग हो जाता है, तो इंग्लिश में कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए रहते हैं जो कि आप लोगों को हिंदी में भी हेल्प कर सकता है। यहाँ देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस डिजाइन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस आइडिया को, इस ब्रेन स्टॉर्मिंग को यूज़ करने से बच्चों के अंदर मैक्सिमम आइडियाज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आइडियाज़ होते हैं स्पेसिफिक उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो निकाला जा सकता है, इसीलिए इस प्रोसेस को डिज़ाइन किया गया है। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ टेक्निक दैट मैक्सिमाइजेज द एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसा टेक्निक है जो कि बच्चों की एबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है, उसके चरण लेवल तक, एकदम टॉप लेवल तक लेकर जाता है आइडियाज़ को निकालने के लिए, न्यू आइडियाज़ को। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहोगे, एडवांस ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग देखिए, ट्रेडिशनल एंड एडवांस ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह से है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, हाउ ब्रेन स्टॉर्मिंग कैन बी अडेप्टेड, ये आप लोगों का एडवांटेज ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये जो हमने अभी एडवांटेज, ये क्या है, लॉर्ड मैकाले भी इसमें आ गया है। चलिए ठीक है, लॉर्ड मैकाले आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल गया इसमें, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है।
ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग है आप लोगों का, यहाँ से आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। वैसे लॉर्ड मेकाले आप लोग का है, ये नहीं है, ये आप लोगों का लॉर्ड मेकाले आप लोगों का है किसमें, कंटेम्परेरी में, जो कि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का टॉपिक रहा ब्रेन स्टॉर्मिंग से लेकर के मस्तिष्क विप्लव। ये लॉन्ग में नहीं आता है, इसमें नोट्स लिखने को ही आता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप भी अगर लर्निंग एंड टीचिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जा करके देखोगे तो ये एक ईयर छोड़ करके दूसरे ईयर में तो होता ही है, या फिर मैं बोलूँगी सभी ईयर में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, तो 8 नंबर में इतना सफिशियंट है मटेरियल लिखने के लिए। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।